मैं आज असम के प्रसिद्ध गीतकार द्वारा रचित और भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा स्वरबद्ध एक गीत की दो पंक्तियां भी दोहराना चाहूंगा। इसमें कहा गया है, मोई लासिते कोइस मुर हो नाई नाम लुआ लुईत पोरिया डेका डोल। यानी मैं लासी बोल रहा हूं, ब्रह्मपुत्र किनारे के युवाओं मेरा बार बार नाम लो, निरंतर स्मरण करके ही हम आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से परिचित करा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लासित बोरफुकन जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी देखी, बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। साथ ही मुझे उनकी शौर्य गाथा पर लिखी किताब का विमोचन करने का भी सौभाग्य मिला। इस तरह के आयोजनों के जरिए ही देश के सही इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं से जन जन को जोड़ा जा सकता है। साथियों, मैं जब आज देख रहा था तो मेरे मन में एक विचार आया, असम के और देश के कलाकारों को जोड़ करके हम इस पर सोच सकते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जानता राजा नाट्य प्रयोग है, करीब 250-300 कलाकार, हाथी घोड़े सारे कार्यक्रम में होते हैं और बड़ा प्रभावित कार्यक्रम है। क्या हम लासित बोरफुकन जी के जीवन पर ऐसा ही एक नाट्य प्रयोग तैयार करें और हिंदुस्तान के कोने कोने में ले जाएं? एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है ना, उसमें ये सारी चीजें बहुत बड़ी ताकत देते हैं। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, पूर्वोत्तर को भारत के सामर्थ्य का केंद्र बिंदु बनाना है। मुझे विश्वास है वीर लासित बोरफुकन की 400वीं जन्म जयंती हमारे इन संकल्पों को मजबूत करेगी और देश अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा।